अंतिम हो रहा डीएमपी आठ के सामने से खुली खुली जीत गुजरते हुए हमारा देश गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और हमने संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिक हितों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा रहा है। हमारे आयुक्त महोदय इस तरह से सघन वृक्षारोपण कर हम हरियाली ला सकते हैं उसी को दिखाया गया है। पर्यावरण परिवर्तन किस तरह से हो रहा है उसको बचाने का पूरा सिद्धांत इसमें दिखाया गया है। आप इसको अपनाकर अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं और रखना चाहिए। घरों की खाली जमीन में भी पौधा लगाएं जल को बचाते हुए। ये विद्या ज्योति पब्लिक स्कूल के साथ शहीद के ऊपर झांकी है कि हमारे वीर शहीद लाड़वा सबसे प्रभावित क्षेत्र ट्रॉल आर्मी बल कीट से प्रभावित पौधे किस तरह से बर्बाद होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो बताए गए हैं इस झांकी में दिखाई जा रही है। के लिए है और जब जब संकल्प सक्षम होगा यही है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल जीवन हरियाली का वह पूरा का पूरा इस झांकी में दिखाया गया है और रोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा किस तरह से सामुदायिक शौचालय तैयार कर हम स्वच्छता लाते हैं सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रस्तुति झांकियों के रूप में आपके सामने से निकल रही और आप पूरा का पूरा एक कंसेप्ट जो है जल जीवन हरियाली का आपके समक्ष हम सौर प्लेट से किस तरह ऊर्जा का मंच के सामने से भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के मौके पर सर देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहिए? आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी इस आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। यही मेरी शुभकामना है।